हेलो गाइस, वेलकम टू बीबोर्ड। बीबोर्ड के इस वीडियो में हम 2018 की इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्री कंटेंट, डाउट रूम और जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा बीबोर्ड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही फ्री कंटेंट पीडीएफ्स के लिए आप अपना नाम और शहर का नाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्परफेक्ट भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। सिटीजन डेली, माई टाइम्स, माई लाइफ, इस बुक की ऑथर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित है। इंडियन इंस्टिंक्ट, ये बुक इंडिया में फ्रीडम और इक्वेलिटी पर आधारित है। इसकी राइटर मीनिया चटर्जी है। द विडोज ऑफ मालाबार हिल, इस बुक की ऑथर सुजाता मैसी हैं। एग्जाम वॉरियर्स के ऑथर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माय रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, ये बुक सौरभ गांगुली पर लिखी गई है। इसको सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य ने लिखा है। परमवीर परवाने, इस बुक में परमवीर चक्र विजेताओं की सौर गाथाएं हैं। इसको लिखा है डॉक्टर प्रभा किरण जैन ने परमवीर परवाने लिखी है। माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म, मेरी यात्रा मार्क्सवाद लेनिनवाद से नेहरूवियन समाजवाद तक, इसको लिखा है सीएच हनुमंता राव ने। अक्रॉस द बेंच, इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम, ये बुक इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम पर आधारित है। इसको लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने। अक्रॉस द बेंच, इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम लिखी है हरिंदर सिक्का ने। लिखा है कालिंग सहमत, हरिंदर सिक्का की बुक है। चेंजिंग इंडिया के ऑथर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। ये दो बार प्रधानमंत्री रहे हैं और ये बुक के 5 एडिशन आए हैं। टोनी जोसेफ ने लिखा है अर्ली इंडियंस, ये हमारे पूर्वजों और हम कहां से आए हैं इस पर आधारित है। ब्लू वाटर्स अहॉय, ये इंडियन नेवी पर 2001 से 2010 के बीच में क्या हुआ उस पर आधारित है। इसके ऑथर वाइस एडमिरल अनूप सिंह की बुक ब्लू वाटर्स अहॉय है। रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, इसके ऑथर डॉक्टर राजेश भट्ट हैं। योगा एंड माइंडफुलनेस द बेसिक्स, इसकी ऑथर मानसी गुलाटी हैं। द रूल ब्रेकर्स के ऑथर प्रीति सेनॉय हैं। अटल जी के जीवन पर एक किताब है अटल जी ने कहा, इसको लिखा है ब्रिजेंद्र रही ने। अटल जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। बीवीएस लक्ष्मण भारत के मशहूर बल्लेबाज हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे और इनकी आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड, ये तेलंगाना के हैं। नो स्पिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉन ने लिखी है, ये उनकी आत्मकथा है। गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, इसे लिखा है रामचंद्र गुहा ने। इसमें 1914 से 1948 के बीच गांधी जी के जीवन के बारे में दिया हुआ है। गांधी जी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट बुक है, वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गांधी जी नई तालीम। इसको लॉन्च हमारे एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने किया है और यह 13 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। वार लाइट को लिखा है माइकल ऑनटार्टचे ने। द इंग्लिश पेशेंट, इसे भी माइकल ऑनटार्टचे ने लिखा है। यह बुक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे साल 2018 का गोल्डन मैन बुकर प्राइज मिला है। एक किताब और है, वो है फ्लाइट्स भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे लिखा है ओल्गा तोकारचुक ने। इस किताब को 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है। विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली, इस किताब को लिखा है अभिरूप भट्टाचार्य ने सौरभ गांगुली पर लिखी है किताब। विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। स्मार्ट सिटीज अनबंडल्ड, इस किताब को लिखा है डॉक्टर समीर शर्मा ने स्मार्ट सिटीज बुक लिखी है। इस बुक में इंडिया में स्मार्ट सिटीज के आइडियाज और प्रैक्टिस के बारे में पर आधारित है।
इंडियाज हेरिटेज ऑफ खराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर, इसे लिखा है डॉक्टर मीरा पंडित ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आयान गोगोई गोहेन, इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया का खिताब मिला है, इनकी किताब का नाम बताइए। एक और क्वेश्चन है मिल्कमैन, मिल्कमैन किताब को साल 2018 का मैन बुकर प्राइज मिला है, इसकी ऑथर एना बर्न्स हैं। एना बर्न्स किस देश से संबंधित हैं? इसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।